नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीति। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपने आंसर्स को एनालिसिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर का पूर्णांक था, 2.5 घंटे का समय था। पहले क्वेश्चन की ओर चलें, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट था जो कि 1961-62 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ख है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि थी तो 1939 में शुरुआत हुई थी और 1945 में खत्म हुई थी। इंद्र 2017 क्या है, तो ये रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी, तो वो औद्योगिक विकास की थी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद औद्योगिक विकास किस प्रकार से किया जाए। सुरक्षा का क्या आशय है, तो आक्रमण से रक्षा करना है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ये हैं, श्रीलंका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण समस्याएँ तभी समाप्त हो सकते हैं जब मनुष्य स्वयं को प्राकृति एवं पर्यावरण का अंग मान ले। ठीक है, मतलब स्वयं को पर्यावरण मान ले और अपनी, जैसे हम हमारी साफ सफाई करते हैं, हमारी सुरक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से हमें पर्यावरण की करनी होगी। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है तो वो है 8। क्वेश्चन नंबर घ है, समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि मतलब CTBT सन में संपन्न हुई थी, ये 1996 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना या शांति स्थापित करना। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था तो वारसा फैक्ट समझौता। ठीक है, वैश्वीकरण का आशय है विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। निम्नलिखित को सत्य सत्य बताना है। जैसे सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया, तो ये सत्य है, और वो नया राष्ट्र जो बना था वो बांग्लादेश बना था। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्य से लिया जाता है, सत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित है, असत्य है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, सत्य है। पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, सत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ तो ये असत्य है, क्योंकि ये 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाना। जैसे 1991 तो इसका संबंध है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से, चीन का संबंध है खुले द्वार की नीति से, सन 1965 तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 5 स्थायी सदस्य तो ये सुरक्षा परिषद, पाकिस्तान तो पाकिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य देश है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये है देसी राजवाड़ों का भारतीय संघ के विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो ये तो विचारों से लड़ा जाता है, सोच से। शीत युद्ध प्रतियोगिता, घृणा, विचार और इन चीज़ों से लड़ा जाता है। एक दूसरे से घृणा होती है लेकिन इसमें युद्ध नहीं होता है और इसमें रक्तरंजन नहीं होता है, मतलब खून खराबा नहीं होता है। दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा सोवियत संघ, चीन और क्यूबा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो शांति महल, पीस पैलेस, हेग नीदरलैंड। ठीक है, हेग नीदरलैंड भी लिखा है तो सही है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1944। सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। शरणार्थी समस्या क्या है, तो जब, या फिर शरणार्थी क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए अन्य देश पर निर्भर हो या फिर वहाँ जाकर बस जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, शरणार्थी। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चंस थे इनके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो में पहले डाल चुका था, तो आई होप कि उससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिली होगी। दूसरा, मैं अफसोस ज़रूर जाहिर करूँगा कि वो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो लेसन नंबर 4 तक के ही थे। नेक्स्ट आपकी जो एग्ज़ाम रहेंगी तो उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह हो गए, वो सब हम आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।